निकाह नहीं किया, मैंने कोई निकाह नहीं किया, मैंने कोई निकाह नहीं किया। झूठा निकाहनामा कोर्ट में पेश किया गया है, 10 साल से झूठा निकाहनामा 10 जज में पेश किया जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके जो भी गोल हैं वो अचीव करने के लिए आप हिम्मत, लगन, मेहनत, हौसला और सब्र से काम ले रहे होंगे। नाज़रीन, आज आपके लिए जो ताज़ा तरीन खबर लाया हूँ वो खबर है पाकिस्तानी फिल्म स्टार मीरा के बारे में। आप जानते हैं मीरा खबरों में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। आए दिन उनका कोई ना कोई मसला होता ही रहता है जिसकी वजह से वो खबरों की जीनत बनती रहती हैं। नाज़रीन, मौजूदा दिनों जो खबर है इसमें अदाकारा मीरा बुर्का पहनकर अदालत पहुंच गई। अदालत जाते हुए रास्ते में उनसे जो भी मीडिया वाला मिला, जो भी कोई राहगीर उनसे मिला, जो भी कोई पुलिस वाला मिला, जो शख्स भी जो उनसे टकराया उनके सामने आया, अदाकारा मीरा बुर्का पहनकर उनके सामने मातम करती रही, रोती रही, चीखती चलाती रही। उनका कहना था मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, बराए मेहरबानी मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मीडिया वालों ने मीरा को बहुत ज़्यादा तसल्ली दी और उन्होंने कहा अदालत जो भी फैसला करेगी वो इंसाफ की बुनियाद पर ही करेगी, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जिस पर मीरा को थोड़ा सा हौसला मिला। उसके बाद मीरा अदालत में जैसे ही जज साहब के पास पहुंची तो दोबारा उन्होंने ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाना और रोना धोना शुरू कर दिया, जिस पर जज साहब ने उनको टाफी दी और कहा आप ये खा लें, रोए मत, आपको हमारे इंसाफ पर यकीन होना चाहिए, हम यहाँ इंसाफ देने के लिए ही बैठे हुए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले कुछ अरसे से मीरा और अतीकुर रहमान के बारे में खबरें हैं। अतीकुर रहमान का कहना है कि मीरा ने उनसे निकाह किया है और उसके बदले बहुत ज़्यादा रकम उनसे हथिया ली है, लेकिन अब अदाकारा मीरा उनके साथ निकाह में रहते हुए किसी और से निकाह कर रही हैं और उनसे जो निकाह हुआ है उससे मीरा इनकारी हैं। जिस पर अदाकारा मीरा का मौक़िफ़ ये सामने आया है, उनका कहना है कि जो अतीकुर रहमान हैं वो इन्वेस्टर थे, मैं फिल्म स्टार थी, तो हम दोनों मिलकर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो शूटिंग के दौरान वैसे ही हमने मजाक में निकाह कर लिया, जिसको अतीकुर रहमान ने रिकॉर्ड करवा लिया और सबूत पेश किया कि ये हमारा निकाह है, ये सब गलत है, ये गलत वीडियो बनाई गई है। जिस पर जज साहब ने 5 तारीख को अतीकुर रहमान और मीरा दोनों को अदालत में तलब किया है। अब देखते हैं अदालत का फैसला किसके हक में आता है। लेकिन अदालत का फैसला आने से पहले नाज़रीन, हमें आपके फैसले का इंतज़ार है। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में हमें अपना फैसले का एतराज करें कि अदाकारा मीरा वाकई सच्ची हैं या अतीकुर रहमान सच्चे हैं। हमें आपके फैसले का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआ है आप यूं ही खुशो खुरम और हंसते मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़।